आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुख करते हैं शहर शहर और खबर खबर कार्यक्रम की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। जी हां, राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी पार्टी के लोग राहुल गांधी के इस दौरे को एक एजेंडे के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता भी बीजेपी के ऊपर पलटवार करने से चूक नहीं रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करते हुए भारत चीन संबंधों को लेकर कहते हुए नजर आए कि चीन के दबाव में आकर भारत पीछे नहीं हट सकता है। दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध जटिल है, ये सुधरने वाले नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर अपनी लोकसभा सदस्यता जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वो शायद भारत के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा मिली है। गौरतलब है कि राहुल गांधी 6 दिन के लिए अमेरिका आए हुए हैं और 3 शहरों का दौरा करते हुए भी वो नजर आएंगे। तो आपको बताते चले कि अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों को लेकर एक बार फिर से भारत में सियासत तेज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं ये बयान दिया है कि मैं शायद भारत का पहला ऐसा नेता हूं जिसकी सबसे सदस्यता गई है, या यूं कहे कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत में मेरी सदस्यता गई है और सबसे ज्यादा जो सजा है वो कहीं ना कहीं मुझे ही मिली है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, राहुल गांधी का एक बार फिर से अमेरिका में जो बयान उन्होंने दिया है, वो अब भारत के तमाम भाजपा के जो नेता है वो कहीं ना कहीं इसको एक मुद्दे के तौर पर उठा रहे हैं। गौरव जी बिल्कुल मुस्कान, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ये तीसरा वाक्य है। इसके पहले राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पर उन्होंने बातें कही थी। उन्होंने कहा था मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, इसके अलावा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, भारत में कुछ सामान्य नहीं है और भारत में जिस तरह से व्यवस्था देखी जा रही है वो आने वाले समय में खतरे के संकेत हैं। ये उनके बयान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे और उन्होंने ये भी कहा था विपक्ष को जानबूझकर सत्ता के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और कल सांता क्लारा में उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम को वहाँ पर संबोधित किया था, जहाँ पर भारतीय नागरिक भी मौजूद थे, विदेशी नागरिक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर लोग नफरत की दुकान खोल रही है भारत में और मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मोहब्बत की दुकान को ही देखा है और लगातार नफरत की दुकान के खिलाफ मेरी मोहब्बत की दुकान की मुहिम जारी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण बातें ये भी कही कि भारत में जो दलित वर्ग है, जो अन्याय होता था वो आज अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हो रहा है, तमाम बातें हुई हैं। और आज जिस तरह से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर चीन के मुद्दे को उन्होंने उठाया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पलटवार बीजेपी सरकार यहाँ पर करेगी, बीजेपी के लोग करेंगे, क्योंकि आप जो वैश्विक मुद्दे हैं वहाँ उठाना ठीक है, पर जिस तरह से भारत की बातों को वहाँ जाना कि भारत के लोगों की नफरत की बात पर करना, किन समुदायों का यहाँ पर शोषण हो उसकी बात करना, मेरा माइक बंद कर दिया था इसकी बात करना, कहीं ना कहीं बिल्कुल गौरव, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये कहा जाता है कि वो एक सोचे नेताओं में से एक है, लेकिन ऐसे विदेशों में जाकर के इस तरीके से बयान देना, क्या उन्हें ये नहीं लगता कि उनके इस बयान से जो भारत की छवि है वो विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं खराब हो सकती है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए आपको विरोध जताना है, आपको संवैधानिक अधिकार है, भारत के संविधान ने आपको मौलिक अधिकारों के तहत विरोध जताने की स्वतंत्रता दी है, आप जताइए, पर उसके लिए भारत की धरती को छोड़कर आप विदेशों में जाके बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वैश्विक भारत की जो एक छवि है उसको यहाँ ठेस पहुँचती हो। यहाँ पर बीजेपी के लोगों का कहना भी यही है, आप संघर्ष करिए, आप भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, आप भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, पर जिस तरह से माइक बंद कर दिया जाता है नफरत की दुकान को लेकर, मोदी को लेकर, इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि सैगोल परंपरा को उन्होंने नाटक करार दिया, उन्होंने कहा संसद का उद्घाटन का करके एक प्रकार से तमाम जब जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, तमाम तरह की जो बातें हैं मुस्कान वो यहाँ पर फिलहाल सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। बिल्कुल, लेकिन गौरव जिस तरीके से जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति से उद्घाटन कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने तमाम दाव पेचों का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं जो पूरे कार्यक्रम को बहिष्कार भी किया और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति है उनके पद को और उनकी गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जब वो विदेशों में जा करके भारत के खिलाफ ऐसे बयान देते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए ऐसे बयान देते हैं, तब आखिर कांग्रेस मुखर होकर क्यों नहीं कहती है, तब कांग्रेस को ये गलत क्यों नहीं लगता है?
मुस्कान, सबसे शर्मनाक ये है कि हम देखते हैं कि हमारे देश के जो प्रथम नागरिक होता है, यानी सर्वोच्च नागरिक होता है, यानी जो राष्ट्रपति होता है, अब तक उन पर कभी सियासत नहीं होती थी। हम लगातार देखते चले आ रहे, राष्ट्रपति चुनाव होता, राष्ट्रपति बनते थे और राष्ट्रपति के जो काम होते थे, राष्ट्रपति उन कामों का बखूबी अंजाम देते थे। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और वही उनको अधिकार प्राप्त है, उसके हिसाब से वो देश के सर्वोच्च नागरिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्कान, अब राजनीति इस कदर बढ़ चुकी है हमारे देश में कि वो राष्ट्रपति पद पर भी आ चुकी है, राष्ट्रपति के नाम पर भी आ चुकी है। हाल में हमने देखा, राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी वर्ग की नेता है, एक अच्छी नेताओं के रूप में उनकी सभी जानी जाती रही है। यहाँ पर बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति चुनाव में उतारा था, उसको जीत कराई है, तब तमाम लोगों ने विरोध किया था उनका, तो उस समय विरोध क्या था, तब वो इस वर्ग की महिला के लिए क्यों विरोध नहीं कर रहे थे। पर अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब वो राष्ट्रपति बनी है, तो अब उन्हीं वर्गों, उन्हीं पार्टियों को उनकी याद आने लगी है, उनके सम्मान और मान सम्मान की बातें होने लगी हैं। अब संसद भवन में उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया वो अलग प्रश्न है मुस्कान, और यहाँ पर बीजेपी जवाब भी दे चुकी है कि संसदीय कार्य व्यवस्था के मुताबिक यहाँ पर प्रधानमंत्री इस तरह के भवनों का उद्घाटन करता है। उसके पहले 1975 में इंदिरा गांधी भी संसद एनेक्सी का और 1987 में राहुल गांधी भी संसद पुस्तकालय का उद्घाटन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जवाब बीजेपी तरफ से आ चुका है। पर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब भारतीय राजनीति स्वच्छता जो होती थी, संस्कृति होती थी, वो लगातार खराब होती जा रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति को लेकर भी राजनीति शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर अब राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं जाकर, उस पर भी राजनीति चरम पर है। उस तरह की राजनीति हमारे देश की वैश्विक छवि को खराब करने का काम करती है। बिल्कुल ठीक है गौरव, अब इसको हम जरा लोकसभा के चुनाव से भी एक बार जोड़कर देखते हैं। जो राहुल गांधी ने पिछले एक बार अपने विपक्षी दौरे पर बयान दिया था, वो कहीं ना कहीं भारत की जनता को बिल्कुल रास नहीं आया था, लेकिन अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपनी गलती को दोहराया और भारत की छवि को एक बार फिर से खराब करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि तमाम पार्टियां आरोप लगा रही है। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस है, उसको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है गौरव? बिल्कुल, इसका न्याय भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसके पहले अगर और बड़े मुद्दे नहीं आए, तो तमाम तरह के मुद्दे होते हैं जो जनता के मन में, जो जनता जनाधार वो देती है उसके मन में, यहाँ पर टीज बनी रहती है। हमारा देश सर्वोच्च है, आज भी हम तिरंगे की, आज भी देश की जो सम्मान है वो सबसे ज़्यादा करते हैं। यही कारण है कि देश के प्रत्येक नागरिक के मन में आज भी राष्ट्रगान, अपने तिरंगे और अपने देश के प्रति भक्ति का भाव होता है। आज भी अब किसी सैनिक की जब मृत्यु होती है या शहीद होती है, तो उसके उसको देखकर, उसके सबको देखकर, या उनको तिरंगा में लिपटे हुए उनके शरीर को देखकर भी आज भी आंखें द्रवित होती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाव होता है, और जिस तरह से अगर राहुल गांधी इस तरह के काम करते रहेंगे, इस तरह दौरों पर जाकर भारत की जो एक महिमा है, भारत की संस्कृति है, भारत की राजनीति को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे मुस्कान, तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए परेशानी हो सकती है। 24 चुनाव महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कांग्रेस को भी फूक पर कर रखना है, क्योंकि कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि एक वैश्विक नेता के रूप में होने लगी थी, अच्छे व्यक्तित्व के नेता के रूप में वो नजर आने लगे थे। और उसके बाद कैबिनेट इंस्टीट्यूट में दिए गए बयान को लेकर, वो अब इन बयानों को लेकर निश्चित रूप से वो घेरे में है और कांग्रेस के बड़े नेताओं के रूप में माने जाते हैं। पर इस तरह के बयान से कांग्रेस की छवि भी खराब होगी और शायद इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है मुस्कान। बिल्कुल गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो राहुल गांधी का बयान है, वो एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो अब पार्टियां हैं, वो अब इस बयान को मुद्दा बनाने का भी प्रयास कर रही है और तूल देने का भी लगातार काम कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जहां अखिलेश यादव ने इस बार खुद कमान संभाल ली है, तो वही यूपी से लेकर दूसरे प्रदेशों का ताबड़तोड़ दौरा भी लगातार जारी है। वही सपा कार्यकर्ता भी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों में जाकर अधूरे वादों और जन अपेक्षाओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। सपा सत्ता दल बीजेपी को घेरने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय समस्याओं पर भी जोर देगी। सपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होते हुए भी नजर आएंगे। तो 2024 को लेकर सपा का एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जिसको लेकर अखिलेश यादव अब यूपी के साथ ही जो तमाम प्रदेश है वहां का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान सपा के कार्यकर्ता भी जो आम जनता है उनकी चौखट पर पहुंचेंगे, उनका दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जनता से मुखातिब भी होते हुए नजर आएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ ही उनके कार्यकर्ता। तो 2024 की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि अब महज 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और अगर कहा जाए तो जो तमाम विपक्षी दल है वो भी यही कह रहे हैं कि 1 दशक से ज्यादा का समय एक बार भाजपा को हो जाएगा और 1 दशक का समय विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत होता है।
तो अब एक दशक को कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुद्दा बनाएंगी और विकास कार्यों का जो भी घोषणा पत्र में भाजपा ने वादा किया था वो धरातल पर कितना पूरा हुआ है और कितना नहीं, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, 2024 की लड़ाई कितने दिलचस्प है ये तो हम सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सपा के लिए ये लड़ाई कितने दिलचस्प है और सपा इस चुनावी मैदान में किस तरीके से तैयारियों के साथ उतरी है, इस पर जरा एक नजर डालिए। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और समाजवादी पार्टी कुल 17 नगर निगम सीटों पर हार गई है, इसके बाद वो सबक लेने के बाद लगातार समीक्षा बैठक सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और जिस दिन ये परिणाम आने थे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी एक बैठक चल रही थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक कर रहे थे और समीक्षाएं कर रहे थे कि कहाँ कमी रह गई। सभी जिलाध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे और तमाम गाइडलाइन जो है वो जारी की गई थी। सबसे बड़ी गाइडलाइन ये थी कि जो उसके प्रवक्ता हैं, अगर किसी भी धार्मिक मामले में किसी भी पैनलिस्ट कोई बैठा हुआ है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और कोई भी ऐसी टिप्पणी टीका टिप्पणी न की जाए जो किसी समुदाय को या किसी वर्ग को आहत करने वाली होती है। इसके बाद समाजवादी पार्टी नमिश नायर में अपना कार्यक्रम रख रही है, जहां एक तरफ वो धार्मिक मुद्दों पर कहने से बचना चाहती है, वही नमिश नायर में एक कार्यक्रम रख रही है। तो अब धीरे धीरे वो सॉफ्ट हिंदुत्व का प्ले कार्ड जो है वो खेल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी छवि जो है बनाई हुई है उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ने जा रही है, RLD के साथ उसका गठबंधन जो है वो अभी बरकरार है। जिस तरीके से खबरें आ रही थी उसकी RLD कांग्रेस के साथ मूव कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के साथ एक मंत्री उसका बना हुआ है, अब तक इन खबरों पे कोई भी चर्चा जो है ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विस्तृत रूप से की है, ना ही जयंत चौधरी ने विस्तृत रूप से की है। तो अभी भी RLD और सपा का गठबंधन जो है बरकरार है। अगर बात करें तो 80 लोकसभा सीटें लड़ने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, तो वही सभी विपक्षी पार्टी जो है देश भर की सभी जो क्षेत्रीय दल है वो एक साथ एक मंच पे आना चाहते हैं। बाकायदा बिहार में जून माह में एक बैठक, सर्वदलीय बैठक विपक्षी दलों की होने वाली है, जिसमें कांग्रेस को न्योता बाकायदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था और कांग्रेस ने वो नेता स्वीकार कर लिया है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सपा कार्यालय पर नीतीश कुमार पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे थे, तो समाजवादी पार्टी का भी एक डेलीगेशन वहाँ पर जा सकता है और नीतीश कुमार से मिलने, और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिवपाल यादव भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है विवेक, बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन अगर हम सपा की तैयारियों पर एक नजर डालें तो सपा ये कह रही है महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दे तो अमूमन हर पार्टी के होते हैं और इस मुद्दे के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन उससे उलट भी लगातार सपा कह रही है कि कई अहम मुद्दे जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं हम उसको भी उठाएंगे। तो आखिर वो जमीनी स्तर के मुद्दे जिसको उठाने की बात सपा कर रही है वो कौन से मुद्दे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने साफ कहा है कि वो जिस तरीके से बीजेपी अपने 9 साल के कार्यकाल को बनाने में लगी है, एक महीने का महाजनसंपर्क अभियान लगा रही है, इस महीने बकायदा कई लोगों को लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है, कई बड़े नाम ऐसे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे उनको पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया है। इन 5 सीटों पर वो इस एक महीने काफी ज्यादा नजर रखेंगे और जो योजनाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार की थी उसको जो है वो जनता के बीच में और अच्छे तरीके से ले जाएंगे। वही समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दे से लेकर स्थानीय मुद्दे तक वो बाकायदा सर्वे करेगी और जनता के बीच जाके सर्वे करेगी कि कितना योजनाएं जो है धरातल स्तर पर काम कर रही है, कितनी योजनाएं धरातल स्तर पर सटीक साबित हुई है, सफल साबित हुई है, और कितने लोग ऐसे हैं जो इन लाभकारी लाभवान योजनाओं से वंचित रह गए हैं और सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को गिनाने का काम कर रही है, एक महीने महाजनसंपर्क अभियान लगा रही है, समाज के प्रमुख वर्गों को अपने साथ जोड़ रही है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, शिक्षक हो या साहित्यकार हो, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस
मूव को टैकल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेके बकायदा स्थानीय स्तर तक जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी योजनाएं हैं, उन सबका सर्वे करेगी, जनता के बीच जाएगी, जनता से पूछेगी। ठीक है, लेकिन विवेक, अब लोकसभा चुनाव में महज एक साल से भी कम का वक्त बचा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है और अब सपा कह रही है कि वो लोगों के बीच जाकर सर्वे करेगी। विवेक, क्या आपको लगता है कि सर्वे करने में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेट हो चुकी है, क्योंकि ये सर्वे पहले हो जाना चाहिए था, अब सिर्फ लोगों के बीच जाना बाकी था? देखिए, अगर बात की जाए तो अभी 10 महीने का समय शेष है और उत्तर प्रदेश में सर्वे करने के लिए सपा के पास ठीक ठाक समय भी है। इससे समाजवादी पार्टी को दो फायदे मिलने वाले हैं। एक तो उसको हकीकत पता चलेगी कि जनता के बीच स्थिति क्या है। अगर उसको समाजवादी पार्टी भुनाने में कामयाब हो जाए तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा झटका देने वाला काम होगा। इसके पहले हम जानते हैं कि हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करती है, अपने क्षेत्र में सर्वे करती है, अपने प्रत्याशी और उम्मीदवार को उतारने से पहले सर्वे करती है और पुराने प्रत्याशियों को भी सर्वे करती है कि क्या स्थिति इनकी उनके क्षेत्र से आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ की जनता जो है उनके विरोध में है या जनता उनसे खुश नहीं है, ऐसे लोगों का टिकट भी काट दिया जाता है। इस समय समाजवादी पार्टी ये प्रक्रिया अपना रही है और जहां जहां भी समाजवादी पार्टी को अपनी पकड़ मजबूत रहेगी वहां समाजवादी पार्टी और मजबूती से लड़ेगी। इससे पहले बात की जाए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी विधानसभा, अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में, तो जहां वो दूसरे नंबर पर रही थी वहां समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से काम करेगी। कुल 125 विधायक विधानसभा में समाजवादी पार्टी पे है तो अपने विधानसभा में वो मजबूत है, लेकिन जहां वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहते वहां समाजवादी पार्टी का ध्यान ज्यादा है, वहां जनसंपर्क भी अपना ज्यादा करेगी, वहां सर्वे भी ज्यादा करेगी और जमीनी हकीकत जनता के माध्यम से समाजवादी पार्टी पूछेगी कि सरकार। बिल्कुल विवेक, जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता की नब्ज को टटोलना बहुत जरूरी है कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है और आखिर जनता किसके पक्ष में फिलहाल ज्यादा है, ये जानना भी सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही पूर्व WFI चीफ और बीजेपी सांसद बृजभूषण चरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध कर रहे पहलवानों के प्रदर्शन को लगातार समर्थन मिल रहा है। पहलवानों के चल रहे विरोध पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के खाप के साथ ही किसान समूहों के प्रतिनिधि आज मुजफ्फरनगर में मिलेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने बुधवार को बताया कि गुरुवार को यानी कि आज के दिन मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डराने धमकाने और यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पहलवानों के विरोध पर चर्चा की जाएगी। साथ ही महापंचायत में यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के विभिन्न खापों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य चल रहे पहलवानों के विरोध में आगे की रणनीति को तैयार करना है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि 100 यूनिट तक राजस्थान में सबका बिजली का बिल माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि 100 यूनिट की मुफ्त बिजली के बाद अगले 100 यूनिट पर स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और बाकी के अन्य शुल्क माफ होंगे। गहलोत ने बताया कि महंगाई राहत शिविरों के दौरान जनता से बात करने पर उन्हें यह सलाह दी गई कि राजस्थान में बिजली बिलों में स्लैब के हिसाब से दी गई छूट में बदलाव किया जाना चाहिए। इस पर अमल करते हुए गहलोत सरकार ने 100 यूनिट तक सभी को बिजली फ्री करने का तोहफा दिया। उन्होंने बताया कि इस फैसले के लिए मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता ने अपनी सलाह दी और इसी के आधार पर आगे की 100 यूनिट बिजली पर भी फैसला लिया जाएगा। तो अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है कि अब राजस्थान में भी मुफ्त बिजली दी जाएगी और एक बार फिर से जनता को लुभाने के लिए रेवड़ी कल्चर को एक बार राजस्थान में फिर से देखने को मिला, जहां गहलोत ने एक बार फिर से मुफ्त का कार्ड फेंकते हुए जनता को अपने खेमे में लाने का पूरा भरसक प्रयास किया है। लेकिन अशोक गहलोत ये भूल गए हैं कि कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस में राड चल रही है, अब इससे उलट उनका फ्री बिजली वाला दावा कितना काम होता है ये देखने वाली बात होगी। यूपी में 5 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। SS वित्त प्रशांत त्रिवेदी को हटाया गया है, वही आयुष घोटाले में ED और CBI की जांच के दायरे में थे। इसके अलावा कानपुर के कमिश्नर राजशेखर का तबादला किया गया है। दीपक कुमार को
एसीएस वित्त का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। वहीं कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर का भी तबादला कर दिया गया है, उन्हें कृषि सचिव बनाया गया है। लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा यशोद ऋषिकेश भास्कर सहारनपुर के कमिश्नर बनाए गए हैं। तो एक बार फिर से यूपी में तबादला एक्सप्रेस चली है, जहां पर आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी है। सुहानी, एक बार फिर से यूपी में तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आई है। इस दौरान 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आखिर कौन कौन से वो अधिकारी हैं और कहां कहां पर इनको नया चार्ज सौंपा गया है? सुहानी जी, मुस्कान, बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा प्रशासनिक जो फेरबदल करते हुए जो योगी सरकार ने आज एक लिस्ट जारी की है, उसमें जो कानपुर सराहनपुर में एक नए कमिश्नर नियुक्त की गई है, वही साथ जो 5 आईएएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। और ये 5 आईएएस अधिकारियों में से जो आप बता दें ये एसीएस वित्त प्रशांत त्रिवेदी को हटाया गया है, जो आयुष घोटाले में उनको ईडी और सीबीआई की जांच में दायरे थे। आयुष घोटाले की बात करें तो उसमें तमाम बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, यहाँ तक कि जो छोटे जो है उनके भी नाम उसमें दिया गया है। उसके साथ ही आपको बता दें कि कानपुर के कमिश्नर जो राजशेखर का तबादला किया गया है, दीपक कुमार एसीए वित्त अतिरिक्त चार्ज उनको सौंपा गया है। वही कानपुर में मंडलायुक्त राजशेखर का भी तबादला कर दिया गया है और उन्हें सचिव कृषि बनाया गया है। वही लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं और इसके अलावा यशोद ऋषिकेश जो भास्कर सराहनपुर में कमिश्नर बनाए गए हैं। तो इस तरह से जो योगी सरकार है अपने जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए तबादले कर रहे हैं। अब बात की जाए जो सबसे मेन इसमें मुद्दा है, जो कि प्रशांत त्रिवेदी जो कि आयुष घोटाले में जो जुड़े हुए थे और उनको कहीं ना कहीं एक पूरे जो पुलिस प्रशासन में बहुत ज्यादा एक खराब हो रहा था नाम, तो इसके लेकर जो योगी सरकार ने इसमें तबादले किए ना कहीं ना कहीं इसमें सवाल भी उठ रहा था। और आयुष घोटाले जो है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक उस पर सवाल खड़ा हो रहा था कि इसमें योगी सरकार काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और इसको लेते हुए शायद यही देखा जा रहा है कि ठीक है बिल्कुल। सुहानी, तबादला एक्सप्रेस तो चली है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों यूपी को एक बार फिर से नया कार्यवाहक डीजीपी मिला, तो आज ये तबादला एक्सप्रेस चली है। क्या ये तबादले पहले नहीं किए जा सकते थे? क्या चुनावों से पहले ही सरकार को तबादलों की याद आती है, घोटालों की याद आती है, उसके बाद तबादले किए जाते हैं? जी मुस्कान, आपको बता दें कि योगी सरकार सिर्फ चुनाव में ही नहीं, वो जब जब भी देखते हैं कि ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में जब भी कोई जो कार्य अवैध किया जाता है, वो आप देख सकती हैं कई प्रकार जो उन्होंने जो अवैध पुलिस थे उनको भी हटाए, जो जितने भी कमिश्नर थे उन पे भी वो कार्रवाई की। तो सिर्फ चुनाव के टाइम ही नहीं, वो तमाम ऐसे जो अपनी जो नीतियां निकालते हैं, जब भी वो देखते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में अवैध काम होता है उसे पूरी तरह से कार्रवाई करते हैं। और ये जो जो आप आयुष घोटाले में जो लेकिन आयुष प्रशांत द्विवेदी को हटाया गया है, तो इस पे जांच पड़ताल चल रहा था और उनपे पूरी तरह से उनपे जो सबूत था वो नहीं मिल पाया था, इसलिए उनको हटाया नहीं जा रहा था। लेकिन अब जब उन्हें कहा जा रहा है कि जब उनके बारे में जब उनकी चीजें जो उनके खिलाफ मिल रही है सबूत, तो उसको लेकर देखा जाए तो उनको हटाया गया है। तो इस प्रकार से जो योगी सरकार है, जब जब वो उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार अत्याचार जो बढ़ता जाता है उसको लेकर कार्रवाई करते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में शहरों के अवैध मलिन बस्तियों का सर्वे होगा। जी हां, यूपी सरकार ने सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वही इसके जरिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा, साथ ही जरूरतमंद को सरकार की तरफ से आवास मिलेगा। वही पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत गोमती किनारे से होगी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। एलडीए जिला प्रशासन और पुलिस के समन्वय से यह सर्वे किया जाएगा। बता दें कि मंडलायुक्त ने बैठक करते हुए ये दिशा निर्देश दिए हैं। तो यूपी सरकार एक बार फिर से सर्वे कराती हुई नजर आएगी, जहां एलडीए जिला प्रशासन के समन्वय से ये सर्वे किया जाएगा और ये अवैध मलिन बस्तियों पर सर्वे किया जाएगा, जिसकी शुरुआत गोमती नदी के किनारे बसी जितने भी मलिन बस्तियां हैं उससे कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होगी। तो आपको बताते चले कि एक बार फिर से अवैध मलिन बस्तियों का सर्वे किया जाएगा, जिसकी शुरुआत लखनऊ के गोमती नदी किनारे बसी सभी बस्तियों से होगी और जिसके बाद पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जाएगा। इस बस्तियों में जो भी पात्र लोग हैं उनको आवास दिलाने का भी काम किया जाएगा, साथ ही इस झुग्गी झोपड़ियों में अगर कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का युवक या युवती पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये सर्वे किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, अवैध मलिन बस्तियों का एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा, इस सर्वे का आखिर उद्देश्य क्या है?
देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी ही कार्य का बीड़ा उठाया है। जिस तरीके से अनाधिकृत रूप से लोग बस्तियों में रहते थे, उनका नाम पता पहचान छिपा करके वो रहते थे, उनकी जानकारी नहीं हो पाती थी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ दो तरीके की देखी जा रही है। एक तो इस सर्वे से जो व्यक्ति बाहर से आया हुआ है, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस देश से आकर के हमारे देश या हमारे प्रदेश में रह रहा है, उसकी शिनाख्त हो सकेगी। दूसरा, और जो निराश्रित है, जिनके पास रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सरकार उस जगह को खाली करा करके और योजनाबद्ध तरीके से वहां पर अपार्टमेंट्स बनाएगी, और अपार्टमेंट्स बनाने के बाद जो नीचे की कल की दुकानें होगी उनको सेल करके यानी बेच करके जो उससे पैसा मिलेगा उससे इनके लिए फ्लैट में रहने की व्यवस्था कराएगी। तो इस तरीके से नगर निगम ने लगभग करीब अगर बात करें तो 107 मलिन बस्तियों का सर्वे किया है, और इस मलिन बस्तियों में यहाँ पर सरकारी जमीनों पर जो जिस तरीके से अवैध कब्जा किया गया है उसको लेकर के कमिश्नर ने एक सर्वे भी कराया है। राजस्व विभाग का नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम से ये कराने के लिए बात भी कही जा रही है। तो अभी सर्वे के बाद ये निश्चय हो पाएगा कि इस पर किस तरीके से कार्य किया जा सकता है और कौन लोग निराश्रित है और क्या व्यवस्था यहाँ की जा सकती है। ठीक है रितेश, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि ये सर्वे कहीं ना कहीं पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में आखिर ये सर्वे चुनावी मौसम में ही क्यों? देखिए ये मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक चीजों को जो अभी तक चीजें बची हुई थी कहीं ना कहीं वो सिमटी हुई थी और वो कहीं ना कहीं खंडक में पड़ी हुई थी, उनको निकालने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी टू की सरकार जब बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षाएं की, बैठकें की, और बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। उन बैठकों में जब जो चीजें निकल के सामने आती गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर क्रियान्वयन करते रहे, तो आज अगर ये देखा जा रहा है जिस तरीके से मलिन बस्तियों पर पहले भी हंटर चल चुका है, बस्तियां हटाई जा चुकी है, लेकिन अब की बार जो कहा जा रहा है, जैसे अभी मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में आपने देखा होगा, एमपी की सरकार ने सीधे कह दिया था कि जो रेहड़ी की दुकानदार है उनके सामान को जब्त नहीं किया जाएगा, उनके सामान को नगर निगम भर के नहीं ले जाएगी, बल्कि उनके लिए वो जगह अलॉट किया जाएगा, बकायदे वेल्डिंग जोन बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी चीज को सीख ले रही है और जो मलिन बस्तियां हैं उन पर हंटर चलने के बाद उस जगह को खाली करा के वहाँ पर कुछ वाणिज्यिक जो व्यवस्थाएं उसको लागू की जाएगी, वहाँ व्यवस्थाएं बनेंगी, और जो निराश्रित हैं, जो वास्तविक में पात्र हैं, उनके लिए वहाँ रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। और जो अभी 2024 का जो चुनाव है उसके मद्देनजर भी ये बेहद खास योजना है, क्योंकि मलिन बस्तियां अगर पूरे प्रदेश में या अगर खासतौर पर लखनऊ में जो नगर निगम ने सर्वे किया है 107 मलिन बस्ती, उसके अलावा अगर सर्वे किया जाए घंटा से तो सैकड़ों यानी हजारों की संख्या में मलिन बस्तियां मिल जाएंगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और वो कार्य कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन निराश्रित है, किनको उसमें फ्लैट मिल सकते हैं, किनको दुकानें मिल सकती है और कहाँ कहाँ बस्तियां खाली हो सकती है। ठीक है बिल्कुल रितेश, तैयारी तो पूरी कर ली गई है, लेकिन यूपी में कई सारी मलिन बस्तियां हैं, अगर बात करें तो इस मलिन बस्ती में कहीं ना कहीं करोड़ों लोग रहते हैं, तो ऐसे में इस सर्वे में पारदर्शिता किस तरीके से लाई जाएगी और पूरे प्रदेश में आखिर ये सर्वे किस तरीके से किया जाएगा? देखिए अभी जो मंडलायुक्त रोशन जैकब है उन्होंने ये कहा है कि बैठकें की जाए लखनऊ विकास प्राधिकरण नगर निगम द्वारा मिल करके ये पूरा सर्वे किया जाएगा और वहाँ पर कितनी जमीनें हैं, क्या बन सकता है, किस तरीके से व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं, कौन लोग वहाँ रह रहे हैं उसकी पूरी शिनाख्त की जाएगी। तो इससे बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी कि जो लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं उन पर किसका हाथ है, कौन अपने देश से है, कौन बांग्लादेश से आया हुआ है, कौन किस देश से आया हुआ, तो सारी चीजें पारदर्शिता में साफ सुथरी हो जाएंगी। और कौन पात्र है मलिन बस्ती में रहने लायक है कि नहीं, अगर बात करें अभी मुस्कान तो लखनऊ की ऐसी मलिन बस्तियां हैं जहां पर अभी भी उन मलिन बस्तियों में एसी लगे हुए हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, वहां पर बिजली की सप्लाई कैसे होती, बिजली चोरी कैसे होती, बहुत बड़ा ये मामला उजागर होने वाला है। अगर कायदे से घंटा से इस चीज की जांच होती है तो बहुत सारी चीजें इसमें निकल करके आएंगे। बिजली विभाग के कर्मचारी भी इसमें फंसते नजर आएंगे क्योंकि वहां पर चंद रुपए लेकर के कनेक्शन भी बांटे गए हैं उन घरों में, उन मलिन बस्तियों में एसी तक चल रहे हैं। मुस्कान मैं आपको बता, बिल्कुल धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अवैध मलिन बस्तियों का सर्वे किया जाएगा जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है और यह सर्वे यूपी सरकार द्वारा कराया जाएगा और इस सर्वे के दौरान जो भी पात्र लोग हैं या जो भी पात्र आवास में रहने वाले लोग हैं उनको जो मुफ्त आवास है वो भी दिलाया जाएगा। वहीं सर्वे के जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला भी उजागर होता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये मलिन बस्तियां ऐसी है जो सरकारी जमीनों पर कहीं ना कहीं कब्जा करके बनाई गई हैं। तो इन सबका सर्वे होगा और इन सर्वे के दौरान कहीं ना कहीं तमाम विभाग के ऐसे अधिकारी है जिन पर गाज गिर सकती है, जिन पर गाज गिरती हो सकता है बीते दिनों में नजर भी आए। शहर शहर खबर खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।